तो गाइस अब फ्रेंड आने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, उसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो अभी ऑन द वे है, तो कुछ टाइम में आ जाएगा। तो ये पंखाबारी मेन रोड है, ब्रिज से जो हिल का व्यू है, सामने का जो नज़ारा है, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो फिलहाल आज यहाँ पे रुक के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेरा इस प्लेस का सेपरेट वीडियो है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हो। तो आज मैं जो प्लेस जाऊँगा वो है रेनबो वाटरफॉल, जो दार्जिलिंग का एक हाईएस्ट वाटरफॉल है। कुछ दूर आगे एक रास्ता लेफ्ट साइड में सीधा ऊपर उठेगा, वो रास्ता डायरेक्ट कनेक्ट होता है पंखाबारी से। तो आज मैं पंखाबारी रूट होके जाऊँगा दार्जिलिंग। तक क्लोज है, बाइक जाएगा? बाइक तो जाएगा, बड़ा गाड़ी नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक प्लेस है, शायद यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ से रेनबो वाटरफॉल ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर, 1 आवर 21 मिनट, 1.5 आवर ऑलमोस्ट लगेगा यहाँ से रेनबो वाटरफॉल जाने में। पहाड़ों के रास्ते पे ऐसे घूम घूम के ऊपर में चढ़ाई करना पड़ता है। पहले ये रास्ता बहुत ख़राब था, तो अभी फ़िलहाल ये रास्ता ठीक ठाक ही है। लेकिन जो दूधिया से पंखाबारी रोड कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है, वो रास्ता का कंडीशन ख़राब है। वहाँ पे फोर व्हीलर अलाउ अभी बंद कर दिया है, फोर व्हीलर। ओह क्या व्यू है, ये है कारसियांग से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आगे। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कारसियांग। यहाँ से कारसियांग ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर हो सकता है, बहुत नज़दीक आ गए है। लेकिन जो रेनबो वाटरफॉल है ये थोड़ा डिस्टेंस में है, यहाँ से 23 किलोमीटर, और 23 किलोमीटर कवर करने में 1 आवर टाइम लगेगा यहाँ से। तो यहाँ से रास्ता डिवाइड हो जाते हैं, जो राइट साइड में जो रास्ता जाते हैं वो जाते हैं सिलीगुड़ी, और लेफ्ट साइड में जो रास्ता है उस रास्ते से जाएंगे हम सोनाडा और दार्जिलिंग। यह है कारसियांग का टैक्सी स्टैंड, और टैक्सी स्टैंड के उस पर जो हिल है ये पूरा क्लाउड से घिरा हुआ है, और ये जो टैक्सी स्टैंड है ये कारसियांग से कुछ 2 किलोमीटर आगे है। हिल का ये जो सीन है, ये सीन बहुत अच्छा लगता है कि फॉग के अंदर से राइड करना। और देखो सामने का जो नजारा, कैसे क्लाउड उड़ रहा है, ये ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर मोर, और अभी 3 बज गया है। कहते ये वाटरफॉल मिला, छोटा है लेकिन अच्छा लग रहा है ये वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल मैं क्रॉस किया, तो ये सोनाडा के पहले ये वाटरफॉल है, अभी तक सोनाडा नहीं आया है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता जाएगा बेल्टर के लिए, 4.6 किलोमीटर यहाँ से बेल्टर है। तो लास्ट टाइम मैं आया था बेल्टर में, तो अब ये प्लेस अब याद रखना कि क्योंकि ये बेल्डर का जो रास्ता है ये बहुत पर्सन मिस कर देते हैं। बेल्डर का मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका लिंक। बेल्डर का बहुत ही ब्यूटीफुल, कारसियांग का एक मतलब वन ऑफ ब्यूटीफुल प्लेस बेल्डर। एक्चुअली बेल्डर में रिसोर्ट है, तो आप रिसोर्ट में जाके स्टे कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिसोर्ट है। तो कारसियांग का जो जितना भी रिसोर्ट है, ये बेल्डर रिसोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट आप कह सकते हो। घूम यहाँ से 17 किलोमीटर, दिलराम 2 किलोमीटर, रंगभूल यहाँ से 13 किलोमीटर, और ये जो कॉलेज वैली है ये यहाँ से 13 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ऑलमोस्ट नज़दीक आ चुके हैं। जो सीधा रास्ता गया है ये सीधा जाएगा दार्जिलिंग, और यहाँ से एक रास्ता सामने से निकलेगा, तो उस रास्ते से आप जा सकते हो जो रेनबो वाटरफॉल है। हमने एक पेट्रोल पम्प होगा, तो पेट्रोल पम्प के राइट साइड में जो रास्ता है उस रास्ते से मैं जाऊंगा। ये है पेट्रोल पम्प, और पेट्रोल पम्प के राइट साइड में रास्ता है, तो देखते हैं कौन सा रास्ता, ये वाला रास्ता। यहाँ से 5.8 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो फिलहाल अभी तो रास्ता कंडीशन बहुत ख़राब मिल रहा है, और आगे कैसा होगा वो जाने के बाद ही पता चलेगा। का कंडीशन बहुत ही खराब है, तो ये ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है। ये स्क्रैम 411 बाइक का, बाप रे, बहुत ही खराब कंडीशन है रास्ते का।
तो यहाँ से 5.2 किलोमीटर, और ये स्क्रैम 411 बाइक से मैं फर्स्ट ये ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, मतलब डेंजर ऑफ रोडिंग है ये। और ये सामने बंदा देखो 100 सीसी का बाइक लेके इस टाइप के ट्रिप कर रहा है, और ये 400 सीसी का बाइक, 400 सीसी का बाइक से 100 सीसी का बाइक का, और देखो ये बंदा कैसे खड़ा होके होके राइड कर रहा है। जब मैं सोनाडा में था वहाँ से 6 किलोमीटर था, लेकिन जो 6 किलोमीटर आने में ऐसा लग रहा है कि मैं अगर प्लेन होता तो मैं 10-15 किलोमीटर इजीली राइड कर लेता, इतना घूम घूम के नीचे उतरना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर जैसा बहुत ख़राब रास्ता मुझे मिला, और अभी जैसे रास्ता ऑलमोस्ट सीटा की है तो आगे भी देखते हैं कि आगे रास्ता कैसा होते हैं। और यहाँ से 1.1 किलोमीटर, और ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट नज़दीक आ गए हैं। यहाँ पर ये व्यू देख के मैं थोड़ा बाइक को रोक के यहाँ पे फोटो कैप्चर किया, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 500 मीटर, एंड फाइनली आ गए हैं वाटरफॉल में। दार्जिलिंग का ये वन ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, ये यहाँ पे नामने के लिए सीरी भी दिया गया है नामने के लिए। और इसके पहले मैं गया था एक कालिम्पोंग का छांगे वाटरफॉल, वो जो वाटरफॉल है वो उतना खास नहीं है इसके कंपैरिजन में। और वहाँ पे जो रास्ता है आपको नामने के टाइम बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब चढ़ाई करोगे ऊपर तो बहुत आपको टफ लगेगा। हो रहा वाटरफॉल, और नजदीक जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं मैं। वाटरफॉल में जाने के लिए एक नैरो सा रास्ता है, इस रास्ते से बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पैर स्लिप खा के नीचे पर जाएंगे तो जिंदा लौट के आना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जो प्लेस है पत्थर से रास्ता बनाया गया है सामने से, तो ये एक बात टाइप का है, लेकिन इस बात के ऊपर से साइड से जा सकते हैं। तो बहुत सारा पर्सन यहाँ से इस रास्ते से जाते हैं, तो इस रास्ते से एक्चुअली नजदीक जा सकते हैं वाटरफॉल के। तो गाइस देखो बहुत ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल, ओह ऑसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमें मरवाई डालेगा आज, ये तो ऊपर ऊपर करके कितना ऊपर लेके आ रहा है। चलो ऊपर से एक व्यू लेके देखते हैं। तो गाइस ये है वन ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑफ कालेज वैली, और ये कालेज वैली पड़ता है सोनाडा के पास। तो ये आपको आई होप कि ये आपको बहुत अच्छा लगा ये वाटरफॉल, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, और नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। और ये आप व्यू देख लीजिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है। अगर आप दार्जिलिंग में आते हो तो ये प्लेस आप जरूर आना, नहीं तो आप बहुत मिस करोगे दार्जिलिंग का ये एक प्लेस।